व्हाट इज ग्लूटाथियोन और उसके डू एंड डोंट्स, किस तरह से उसको सस्टेन करना चाहिए, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ग्लूटाथियोन तो क्या आप कर सकते हैं, क्या सप्लीमेंट स्विच करें कि दूसरे सप्लीमेंट में जाएं आप तो आपको इक्वल रिजल्ट मिल सके, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ और आज मैं बात करूँगी ग्लूटाथियोन के बारे में। तो स्टार्ट करती हूँ, व्हाट इज़ ग्लूटाथियोन, एग्जैक्टली ग्लूटाथियोन क्या होता है। ये एक पेप्टाइड होता है और बहुत पेप्टाइड जिस पे लग जाए मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल है जो बॉडी को ऑब्जॉर्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी से जो चीज़ ऑब्जॉर्व हो जाती है उसी के साथ पेप्टाइड लगता है। साइंटिफिक रीज़न कुछ और होता है जो बहुत एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ है, बट पेप्टाइड बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपने देखे होंगे बहुत सारे कॉस्मेटिक में बताया जाता है, जैसे कि कॉपर पेप्टाइड जो कि ब्राइट करता है, लेकिन ये कॉपर पेप्टाइड नहीं है। तो ग्लूटाथियोन बेरीज के एक्सट्रैक्ट से निकलता है, बहुत फाइन पार्टिकल होता है, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये है क्या। ऑलरेडी ग्लूटाथियोन हमारे इंटेस्टाइन पार्ट में जो पोर्शन होता है वहाँ पर जेनरेट होता है, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम बाहर से इंटेक करते हैं। एग्जैक्टली ये एक अमीनो एसिड है जो कि हमें बहुत सारे चीज़ों से बचाता है, जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंट, हार्ट की प्रॉब्लम, वेट एड की प्रॉब्लम, जिसको वेट लॉस नहीं हो रहा था तो स्टैग्नेट वेट को तोड़ता है, ये वेट लॉस नहीं करता है। सपोर्टिव सप्लीमेंट है जो कि आपके स्किन की क्वालिटी अच्छी करेगा, आपके ब्रेन पे न्यूरो, क्योंकि ये बहुत फाइन पार्टिकल है, इजी अब्जॉर्बेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए आपका ब्रेन बहुत शार्प करता है ग्लूटाथियोन। तो ये एक चीज़ है जो आप कैप्सूल है आप खाते हैं, आपके बॉडी में अगर अब्जॉर्ब कर जाती है वन पार्ट अगर अब्जॉर्ब कर जाती है तो आपको इतने सारे चीज़ों से वो बेनिफिट देता है या फिर बचाता है। लेकिन इसके साइड रिएक्शन जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, अगर ग्लूटाथियोन की क्वालिटी अच्छी है तो उसका साइड रिएक्शन ये है कि अगर आपकी बॉडी एसिडिक है, अगर एसिडिक बॉडी, हार्ट बर्न होता है या पेट में गैस होती है तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपके बीच पैसेज में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हार्ट बर्न है तो पैसेज में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं तो इंटेस्टाइन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आपको म्यूकस की प्रॉब्लम है, ग्लूटाथियोन जिसके बॉडी में कमी होती है उसको म्यूकस की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, कफ एंड कोल्ड होता ही है, तो मोस्टली जो ए ब्लड ग्रुप होते हैं उनको ग्लूटाथियोन अमीनो एसिड की कमी पाई जाती ही जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ग्लूटाथियोन असर नहीं करता, इसीलिए यही लॉजिक की वजह से मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी बहुत सपोर्टिव इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी के साथ, उसी के साथ जब आप ग्लूटाथियोन खाते हैं तो बहुत जल्दी इजीली अब्जॉर्बेंट होता है। लेकिन जिनको कफ की प्रॉब्लम होती है, जैसे जिनकी एसिडिक बॉडी है वो तो विटामिन सी के साथ खा रहे हैं, लेकिन जिनको कफ की प्रॉब्लम होती है उनको विटामिन ई लेना पड़ता है सपोर्टिव में, ताकि वो ज़्यादा रिजल्ट दे पाए और अपना एक अच्छा आपके बॉडी में अच्छा एक रिजल्ट आए, ग्लो आए, और आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन या स्किन में प्रॉब्लम हो जैसे सोरेसिस या फिर एक्जिमा, उससे भी हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेस, ये सब में ग्लूटाथियोन बहुत हेल्प करता है। बट जब उसके साथ उसको अब्जॉर्ब करने के लिए सपोर्टिव चीज दी जाए तब। अब ये हम बात करते हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हम ग्लूटाथियोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर ग्लूटाथियोन का हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ग्लूटाथियोन जब हम ऊपर से लेते हैं तो ये मैंने बताया कि फाइन पार्टिकल है तो आपके बॉडी में समटाइम डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। आप ये वीडियो को ध्यान से सुनना, मैं फास्ट इसलिए बता रही हूँ कि टाइम लेवल कम रहे और सारी बातें मैं बोल पाऊँ, थोड़ा सा लॉन्ग है वीडियो इसलिए। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, ग्लूटाथियोन आपकी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर रही, आपने लेके देखा है अच्छे ब्रांड, अगर आप कोई ऐसे ब्रांड ले रहे हैं जिसमें कॉर्नस्टार्च बहुत ज़्यादा है तो उसकी बात अलग है, उससे आप मोटे हो जाएंगे, बल्की हो जाएगा बॉडी, लोअर पार्ट थाइस, पेट वो हो जाएगा, बल्क आ जाएगी उसमें क्योंकि कॉर्नस्टार्च भरा है, तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप जो ग्लूटाथियोन अच्छा ले रहे हैं, अगर आपको वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं वर्क कर रहा है तो कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो बॉडी में अपने आप ग्लूटाथियोन को बनाने में मोटिवेट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं अपने बारे में बताऊंगी कि उसको मेंटेन कैसे करते हैं। वो सप्लीमेंट इससे जो मेन ग्लूटाथियोन है उससे काफ़ी सस्ते आते हैं, जो ग्लूटाथियोन ले रहे हैं
उनको ग्लूटाथियोन एक दो महीने में 45 डेज में असर करना शुरू कर देता है। लेकिन जो सपोर्टिव सप्लीमेंट होते हैं जो मैं बताने वाली हूँ उसको अगर आप 3 महीने लेंगे तब आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन आपकी बॉडी जब ग्लूटाथियोन जनरेट करनी शुरू कर देगी, आपके बॉडी में आ जाएगा ग्लूटाथियोन, तो वो आपके होल सोल प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो जो सेकेंडरी सप्लीमेंट होता है, जो मैंने लाइव चैट में भी बात की थी और आप काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरे से, वो सेकेंडरी सप्लीमेंट होता है ALA, अल्फा लाइपोलिक एसिड। ये डायबिटीज से फाइट करता है, ये हार्ट डिजीज से फाइट करता है जैसे ग्लूटाथियोन करता है, लेकिन वो सेकेंडरी है जब जेनरेट नहीं है, एक्सटर्नल डाला तब। लेकिन ALA जेनरेट करता है ग्लूटाथियोन को, तो ये फाइट करता है आपके हार्ट डिजीज से, ये फाइट करता है आपके स्किन प्रॉब्लम से, ये फाइट करता है आपके हेयर प्रॉब्लम से, इंटरनल की बात कर रही हूँ। तो जब ये करता है तो सेल डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलती है। इसके साथ एक क्लॉज लगाना चाहूँगी, ALA जितना फ़ायदा फीमेल को करता है उसका 60% ही मेल को कर पाता है। मेल के लिए थोड़ा स्लो होता है ALA और फीमेल के लिए ज़्यादा वर्क होती है ALA के अंदर। तो मेल भी खा सकते हैं, लेकिन अगर फीमेल को 2 महीने में असर हुआ है तो मेल को 3 महीने लग सकते हैं ALA। लेकिन रेट अगर कंपेयर करेंगे तो ग्लूटाथियोन अगर 3000 या 5000 या 4000 का आता है तो ALA का मैक्सिमम रेट ही 2000 होता है, जो मैक्सिमम होता है, जो मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम रेट होता है वो 1600, 1200, 700, 600 इसके रेंज में या 900 के रेंज में आता है, जो एक मंथ का डोज होता है और जो आपके नेचुरली आपके बॉडी में जेनरेट कर देगा ग्लूटाथियोन को। और लॉन्ग रन होता है, जल्दी नहीं जेनरेट होती है, लेकिन जब हो जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम स्किल की दूर हो जाएगी। तो सेकेंडरी ALA का साथ ये है आपका कि ALA आपके वेट एड में भी मदद करता है। आपको वेट लॉस नहीं हो रहा, स्टैगनेट हो रहा हो, कुछ हो रहा, तो उसमें बहुत हेल्पिंग होता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती है। एक तो आपकी हेयर की प्रॉब्लम कहीं हद तक दूर होती है। 100% ALA हेयर के लिए नहीं होता है, बट जिनको हेयर की प्रॉब्लम है काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, खास करके डायबिटीज़ टाइप 2 हो, ऐसे सिचुएशन में ALA, या हार्ट डिजीज़ है आपका, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, सिट्रिक एलर्जी है, इन सब में प्रोटीन रेसिस्टेंस है, सब में ALA बहुत अच्छा वर्क करता है। तो वेट लॉस में बहुत 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 हेल्पिंग है ALA, बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग होता है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका हाई डोज मत लेना। कई लोग सोचते हैं कि हम 2-3 कैप्सूल खा के जल्दी से स्लिम हो जाएंगे, तो उसमें वोमिटिंग टेंडेंसी आनी शुरू हो जाएगी आपको। उसका रिएक्शन ALA का भी यही रिएक्शन है कि आपको एक नौजिया फीलिंग, एक चक्कर, वोमिटिंग, डूबा हुआ सा मन लगेगा। तो जितनी डोज मैं बताऊंगी उतने ही खाना, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी इसकी डोज। मैं आपको डोज बताना चाहूँगी ALA की, वो 100 mg, 300 mg, 200 mg से लेकर 600 mg तक आती है। वो आपको डिसाइड करना होगा कि प्रॉब्लम कितनी है। अगर आप वेट लॉस पर्पस से खा रहे हैं तो 300 mg से 600 mg तक खाइए। अगर सिर्फ ग्लो के पर्पस से खा रहे हैं तो 100 के 300 के बीच में चलेगा, 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। दिन में एक कैप्सूल खानी है आपको, वो भी आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये एकदम क्लियर रखना इस बात को कि इससे ज़्यादा नहीं खानी है, काफ़ी सस्ता पड़ता है। लेकिन अब आते हैं कि अगर जिनकी एसिडिक बॉडी है, ये ALA है आप खा सकते हैं, लेकिन ग्लूटाथियोन जो खा रहे हो ऑलरेडी, जिन्होंने खरीद लिया है, उनके लिए अच्छा होता है एक और सप्लीमेंट होती है। सप्लीमेंट नहीं है एक्चुअली, ये हर्ब है, मिल्क थिसल के नाम से आती है। लिंक आपको सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। मिल्क थिसल लेना है, 1 टीस्पून आपको करीबन 500 ml वाटर में बॉयल करना है और 50 ml टी उसकी लेनी है दिन में 2 बार। अगर आप कलौंजी टी ले रहे हैं तो कलौंजी टी अगर 1 लीटर बनाइए उसमें 1 टीस्पून डाल दीजिए, साथ में आपका काम हो जाएगा। अगर आप येलो टी बनाते हैं उसमें 1 टीस्पून डाल दीजिए और जो आप पी रहे हैं आपका काम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 500 ml से लेकर के 1 लीटर तक के पानी में आपको 1 टीस्पून वो मिल्क थिसल डालना है। और जिनकी भी एसिडिक बॉडी है, या हॉट फ्लश है, या मेनोफॉज से जूझ रहे हैं, या फिर पिकॉर्ड की प्रॉब्लम है, या थायराइड है, या कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, ऐसे में जब ये आप डाल लेंगे तो बॉडी का एसिड या कफ वो अब्जॉर्ब करने में आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसको डाल करके भी बॉडी को ठंडा करें, जिससे कि ग्लूटाथियोन आपको बहुत असर करे। उसका मिल्क थिसल का ज़्यादा रेट नहीं है। मिल्क थिसल मेरे ख्याल से मैंने लिया था 450 का, और
मैं जहाँ तक वेंडर को जानती हूँ, मेरे ख्याल से वो रेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने उनकी कई चीज़ें देखी है, तो 450 के रेंज में ही वो आती है। मिल्क थिसल का डब्बा आता है इतना बड़ा, जो आपका करीबन मेरे ख्याल से 1 मंथ अगर रेगुलर आप लोगे तो चल जाएगा। तो ये जो सपोर्टिंग चीज़ें हैं जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि सपोर्ट कैसे करें, इसको बैलेंस कैसे करें, अगर आपने ग्लूटाथियोन ले लिया और आपका डोज ख़त्म हो गया, आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट मिल गई है, तो उसके बाद आप ALA खाओ डेली और मिल्क थिसल किसी भी टी मैन कोऑपरेट कर दो, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ताकि वो उस चीज़ को कैरी करके रख सके और आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। अब आते हैं हम रेट पर। तो मैंने ग्लूटा 2 बार मैं वीडियो बना चुकी हूँ, एक बार मैंने डार्क सर्कल की बनाई थी और एक बार मैंने फेयरनेस का बनाया था। उन दोनों में ये प्रॉब्लम आ रही थी, रेट की प्रॉब्लम आ रही थी। जब भी मैंने जो रेट बताई, वेंडर ने वो रेट आगे बहुत बढ़ाई है, तो मैंने वो लिंक पिछले वीडियो से भी हटा दी थी। और वो प्रोडक्ट एक्चुअली वो कंपनी मैंने पर्सनली खाई है और मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को देखा, तो मैंने वही चीज़ें बताई थी। लेकिन जब वेंडर ने वो वीडियो मेरी सुनने के बाद जब 9000 से 13000 कर दिया, तो बेहतर है कि इस कालाबाजारी को हम प्रमोट ना करें, तो वो लिंक मैं शेयर नहीं करूंगी इस वीडियो में। रिजल्ट बेशक अच्छा है, लेकिन सपोर्टिव जितने जो और सप्लीमेंट है जो मेरे पेशेंट्स ने खाए हैं, या फिर जो मेरे मुझे फेसबुक या यूट्यूब पर ही नीचे कमेंट में मिला है कि दूसरे कंपनी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो वो लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उसको आप लो और ग्लूटाथियोन से जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप उसको सस्टेन करके रखना चाहते हैं, तो आप 3-4 महीने में, अगर 3-4 महीने तक अगर ALA लेंगे तो वो सस्टेन रहेगा। ग्लूटाथियोन अगर आपके पास है, आपने खाना छोड़ दिया है कि मैंने खाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे 1 महीने में रिजल्ट नहीं दिया, तो बाकी डब्बा मैंने टेबल पे रख दिया, तो मिल्क थिसल खरीदो, विटामिन सी तो रहेगा ही आपके साथ, मिल्क थिसल खरीदो, मिल्क थिसल की टी पियो, ताकि आपका एसिड थोड़ा बॉडी से कम हो और ग्लूटाथियोन अब्सॉर्ब हो पाए। पर्सनली ग्लूटाथियोन का कोई साइड रिएक्शन ऐसा नहीं है जो आपके बॉडी में जाकर आपको दाने दे देगा, वेट गेन कर देगा या कुछ और हो जाएगा। वेट गेन तभी होगा जब वो उसके अंदर कॉर्न स्टार्च हो, और किसी वजह से ग्लूटाथियोन एक वेट एड होता है जो कि स्टैग्नेंट वेट को तोड़ता है लेकिन वेट लॉस नहीं करता, इसलिए वो आपका वेट नहीं बढ़ा सकता है। तो ये आपका क्लियर हो गया, जो पॉइंट मैं बताना एग्जैक्टली चाहती थी आप लोगों को वो मैं बता पाई। तो बिल्कुल फॉलो करो मेरे इस एडवाइस को, और उम्मीद करती हूँ, एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस बार आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, सॉल्व हो गया होगा। जो चीज़ मैंने बताई है ये सेम चीज़ मैं कोशिश करूँगी कि वेबसाइट पे भी डाल दूँ, ताकि अगर आपको यहाँ समझ ना आए तो वहाँ लिखा हुआ पढ़ करके आप समझ लें। वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिलेगा, और जो भी सप्लीमेंट बताई उसकी लिंक भी आपको मिलेगी। लोकल आपको मिल जाती है तो बेटर है, नहीं मिलती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट से देखने की कोशिश कीजिए। मैं ये ट्राई भी करूँगी, जो बाहर वाले लोगों की शिकायत है कि उनको लिंक नहीं मिलती है, तो मैं ट्राई करूंगी इस बार कि इंटरनेशनल लिंक डाल पाऊं। मैं कमिटमेंट नहीं करती हूं, अगर हो पाया तो मैं बिल्कुल डाल दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगर मेरे वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, इसके पीछे का साइंस आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, तो फ्यूचर में अपलोड करने वाला हर अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।